दुनिया में कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते जो ये चाहते हों कि उनका बच्चा आगे ना बढ़े, बल्कि सभी पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा कामयाबी की मंजिल को तय करे और बच्चा एक उभरता हुआ सितारा बन के नजर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सभी पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता, सभी के बच्चे जो है ना वो कामयाब नहीं होते। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि बच्चों का पेरेंट्स के साथ वो वाला बॉन्ड नहीं होता जिसकी वजह से बच्चा आगे बढ़ पाता है। बहुत सारे बच्चे घरों के अंदर शाये होते हैं, कुछ बच्चों को बोलने की इजाज़त नहीं होती और कुछ बच्चों को एक्सप्रेस ना करने दिया जाता है ना उनको सुना जाता है, फौरी डांट के उनको बिठा दिया जाता है। उससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप और मैं बींग अ पेरेंट जब अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे तो वो बच्चा आगे कैसे बढ़ सकता है। तो याद रखिएगा, अक्सर ये सुनने में आया है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मेरा बच्चा बहुत बड़ा इंसान बने, तो उस बड़े इंसान को जिसको आप सोच रहे हैं उसको इमेजिन करें, उस पर्सनैलिटी को उसके लिए रोल मॉडल बनाएं, और जितनी रिस्पेक्ट आप उस बड़े इंसान के लिए रखते हैं अपने दिल के अंदर, बिल्कुल आज से आप अपने बच्चे के लिए भी वही रिस्पेक्ट रखें, उसके साथ वो वाला रिलेशन बनाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप बच्चे को सुने, ना कि अपने बच्चों को सुनाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप बच्चे को समझने की कोशिश करेंगे, बच्चा उतना ज़्यादा आपके करीब होगा, और बच्चा जितना ज़्यादा आपके करीब होगा वो उतनी ही बातें आपके साथ शेयर करेगा। और उनमें से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स जो है ना वो ना सिर्फ डील करते हैं बल्कि उनके मसलों का हल भी निकालते हैं। 100% ऐसा ही है, पेरेंट्स ही हैं, टीचर्स ही हैं, सोसाइटी के बहुत करीबी दोस्त जो खैर खा होते हैं वो बच्चों के या अपने दोस्तों के मसलों को हल करते हैं। लेकिन सबसे पहला दोस्त, सबसे पहले जो खैर खा है, सबसे पहले जो गार्डियन है, वो पेरेंट्स होते हैं। अगर बींग अ पेरेंट्स आप ये समझते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा आगे जाए, तो उसके साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाए जिससे वो अपने दिल की सारी बातें आपके साथ शेयर कर पाए, और उसको वही रिस्पेक्ट दें, छोटा समझ के आप उसकी बात को इग्नोर मत करें बल्कि उसको सुने, और सुनने के बाद उसकी हर वो जायज़ जो बात है उसके ऊपर आप रिएक्ट करें, उसको बताएं, और फिर देखिएगा ये बच्चे को वो वाला कॉन्फिडेंस जो आपकी तरफ से दिया होगा ये बहुत ज़्यादा बूम करेगा।